लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060001 2630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। कभी शराब पीने तो कभी वीडियो बनाने को लेकर विवादों में चल रहे आप नेता और सांसद भगवंत मान फिर दोबारा विवादों में आ गए हैं, जहां उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से नीले कार्ड धारकों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर भिखारी बोल दिया, जिसको लेकर पंजाब के एससी विंग में रोष पाया गया। मेरा संदीप कुमार है, कैबिनेट का मिनिस्टर, इन्हों का जी सेक्स स्कैंडल मूवी है जी, वो तुम सारे ने देखी है। वो दे खिलाफ जो कि औरत जाति है वो अपमान है, इन्होंने पूरी दुनिया के जेड़ा नंगा नाच विखाया वो तुम सारे ने देखा। दूसरे नंबर पर भगवंत मान ने जो गरीब लोगों भिखारी दसिया, वो मैं समझा कि शहीद बाबा जीवन सिंह की कौम है, बाबा भगवान बाबा वाल्मीकि जी की कौम है, जिसनों इन्होंने भिखारी दसिया। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब तो मंगया नहीं सी आटा दाल, उन्होंने आटा दाल इस करके दिते कि गरीबों नूं लोड़ है, गरीब की लोड़ जानते हो, सरपंच तो लैके पांच बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पता कि गरीब नूं किस चीज़ की लोड़ है। शगन स्कीम बाल साहब तो किसी ने मंगी नहीं सी, बादल साहब ने आप दिती कि गरीब की लड़की नूं लोड़ है, गरीब की लड़की का विह करना है, इस करके दिती। मैं भगवंत मान नूं यह चैलेंज करना चाहना कि भगवंत मान तू मैंबर पार्लीमेंट है, पार्लीमेंट मैंबर की तू तनखा लेना, DA DA लेना, तू गड्डी का तेल लेना, गड्डी लेना, वो क्यों नहीं छड़दा। मैं समझना कि भिखारी तू है, तू भिखारी तां कि तू कमेडियन है, 100-100 रुपया लोगों तो लेंदा रहा, अज वो शहीदां दी कौम पार्टी नूं तू शहीदां दी कौम जिहड़ी मजबी सिख इसी भाईचारा उन्होंने तू भिखारी दसदा, तो भिखारी तू आप है। केजरीवाल का इस करके पुतला साड़िया कि इन्ने माड़े बंदे उन्हें आपकी पार्टी के वाड़े, बाद हम डिसमिस करता फिरता कैबिनेट तो, किन्ने उन्होंने 17 जिहड़े MLA ने वो किसी ना किसी काम के फसे है। इस करके समझते हैं कि जी पार्टी पंजाब की दुश्मन पार्टी है, पानिया का भी इतने बयान होर दिता, दिल्ली जाके होर दिता, इस करके असी केजरीवाल का भी पुतला जरा फूकिया, इस करके सारा जरा कट्ठ है श्रोमणी अकाली दल ने किया, आम लोगों ने किया। पंजाब में 2017 का चुनावी बिगुल बज चुका है और अब कुछ ही समय में वोटिंग तारीख भी तय हो जाएगी। वहीं अकाली भाजपा और हैट्रिक बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है और दलित वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। और पंजाब सरकार की ओर से दलितों को सस्ता अनाज आटा दाल स्कीम, लड़कियों की शादी पर शगुन स्कीम, सेहत बीमा योजना, पेंशन आदि सुविधाएं दी जा रही है। अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब वालों पार्टी का फैसला होया कि जिहड़े साढ़े 9 साल की साढ़े 9 साल के लगभग सरकार संगत की सेवा करती जी हुई है, वह लेखा जोखा हिसाब किताब जोड़ा है वो फरकेवाइज मीटिंग पंजाब के खास करके गरीब भाईचारे गरीब समाज में दसा जाए कि कांग्रेस ने 50 साल के लगभग राज प्रजात किया, साढ़े 9 साल के उन्हों का तो साडा कि फर्क है कि बजट किया, जिन्या स्कीम जानवे कि सारे वर्गों वास्ते, बीमारी वास्ते, मुलाजमान वास्ते, किसान वीर वास्ते, गरीबों वास्ते, पर सब तो वह स्कीम बनिया तो गरीब भाईचारे वास्ते बनिया, वह लेखा जोखा करके इतनी मीटिंग बने। पी जी
धर्मशाला तो लैके पेंशन शुरू हुई बादशाह ने की, अब जो वाधा हो बादशाह ने किया। दो कारपोरेशन बनिया, सिद्धू कार कारपोरेशन, डी सी कारपोरेशन भी बादशाह वे बनी। जे बिल माफ होए घर के 200 जून तक भी बादशाह वे हुए। सैकंड स्कीम जी 5500 तो शुरू हुई थी, अब 15000 तक जो बंद कही हुई बादशाह वे शुरू हुई। इस तरह जो रेलों चलिया यात्रा से जाने वास्ते गरीबों ने, जब बसा चलिया जिते रेलों नहीं जा सकती उसे बसों का प्रबंध होया भी शुरू हो। सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चे पढ़ते उसे लंगर का प्रबंध, बत्तियों का प्रबंध सारा शुरू हो। बीमा स्कीम जी 50000 दवाइया गरीब बंदा इलाज 52 रह जाता है, वह भी शुरू हो। 5 लाख रुपये का बीमा भी जरा कुछ सरकार ने मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने बनाईया। जे स्कीम वो सिक्ख्या की गल करिए, आर्थिक तौर पर गल करिए, धार्मिक तौर पर करिए, समाजिक तौर पर करिए, ये चारे पंजे गल् जो बहुत घुट के बादशाह ने फड़ी है। तो सानू ना ये खुशी कि यह सारा कुछ दस तो बाद जो कि उन्हों का होर मसला होर गल है उन्होंने वरियाली है वो भी ध्यान दे चलो, तो अं इंजीनियरिंग मूवी करके उन्होंने मदद भी कर जी कर सके। इस करके मीटिंग जरा ये शुरू हो 2017 की जी आने वाली चोणा ने तीसरी वाली भी भावें कि सारे पंजाब ने पंजाब के लोगों ने वोटा पाया है, पर मैं समझना कि सब तो व्डा जो अहम रोल दाव है तो गरीब भाईचारे का, गरीब समाज का। तीसरी वाली लगातार सरकार बनाने माननीय मुख्यमंत्री साहब लगातार मुख्यमंत्री बनाने से बहुत व्डा इन्हों का हिस्सा जरा होगा। उसके बारे मान साहब न गरीबों की हिस्ट्री नहीं गरीब ने पढ़ी ना उन्हें इतिहास जानता। गरीब देश वास्ते शहीद हो सकता, गरीब देश की रक्षा कर सकता, गरीब देश की आम से शान की मर मिट सकता है, वो भुखारी नहीं हो सकता। इस करके इन्हों लोगों एक गल कहनी, इन लोगों वोटों के नाल एमपी बन के गया और वो आप डीएससी भी दिता, उसे तनखा भी दिता, ये भी तुम्हें पता सारी गल का। ये लोग जोड़े स्कीम बनाई है बादशाह ने बनाई है भी आर्थिक तौर पर जिन्हें कमजोर बचे ने उन्होंने माली मदद हो जाए, वो आप बनाई ना कि मंगी भी बादशाह का ही धनवाद करना कि उन्होंने बहुत व्डा हमला मार के जी गल की। इस करके मानू यह कुछ बयान देने, मैं गरीब भाईचारे सारे में गल कहनी चाहना पंजाब के लोगों भी उन्होंने एक तो मूँह ना लो, एक मैं पुछो भी तेनों तू हाँ वोटा ना बढ़ के गया, तू साडे ना भद्दा मचाक जरा किया, जिनी निंदा की जाए जिनी निखेधी की जाए उन्नी थोड़ी है कि उन्होंने पहली गल तो ना इतिहास बारे ना लोगों के कल्चर बारे ना अपने सभ्याचार बारे पंजाबियों के बारे की ना पता की करना। उन्होंने एक वो कलाकार से बड़ा मोटा उसे कर चुके थे अपनी नगरों के बना के काम अपनी जिंदगी निर्भर कर रहा है। इस करके अभी निखेधी करने समुचे सारे भाईचारे को समाज में मैं बेनती करनी चाहना कि उन्होंने जितने जितने उन्होंने पुछो पे सवाल करो उन्होंने कितों सूँ कि गलो कहती जवाब दे भी क्यों भुखारी को उन्होंने कहा और कोई जवाब मंगल जलों लोग जी इन पार्टी जाए लोग जलों बेड़े जाने लोगों के घर जाते। सिक्खी के प्रचार प्रसार के लिए फरीदकोट के मालवा स्तर पर सिख स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से प्रधान पर मुहिमंद की अगुवाई में 31 सदस्यता समिति का गठन किया गया, जिसमें अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नए चुने गए सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। और साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे बेअदबी नूं रोकण वास्ते पहरेदार बन के जो फेडरेशन ने मुहिम शुरू की है उसनों घर घर तक पहुँचाया जाएगा। जिवें अज जिहड़े साबका मुख्यमंत्री ने रजिंदर कौर पठल उन्होंने एक बड़ा गलत बयान दिता, उन्होंने कहा कि जिहड़े नवंबर 1984 सिख नसलकुशी के केस ने उन्होंने दोबारा नहीं खोलिया जाना चाहिए। तो मैं समझना कि कांग्रेस ने पूरी तरह अपनी जिम्मेवारी एक तरह कबूल ली है, क्योंकि इस तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस तरह का बयान दिता सी कि जगदीश टाइटलर नूं क्लीन चिट दें, सज्जन कुमार नूं क्लीन चिट दें, और उस तो बाद अज उन्हां दी एक लीडर रजिंदर कौर पठल का एक मंदभागा बयान आना। तो असी समझते हाँ कि नवंबर 1984 सिख नसलकुशी हुई है वो दंगे नहीं सन, सिखां दी नसलकुशी सी, और उस दे दोषियों नूं जद तक सजावां नहीं मिल जांदियां सिख कौम अपना संघर्ष निरंतर जारी रखेगी। पिंड गुरुद्वारा साहब ने जो आबादी पिंड की बहुत घट है, 2-3 बने हुए, ये देखो कोई प्रावधान तुसीं लै देखो गुरु साहब ने जात पात का खंडन किया और जातां दे नाम के उपर जिहड़े गुरुद्वारे बने आ
असी शुरू तो उसके विरोध करते आए हैं। और मैं नगर निवासियों भी बेनती करांगा कि गुरुद्वारा साहब एक बनाया जाए और बकायदा इस दे उपर पहरा दिता जाए ता कि जिहड़ी बेअदबी दीआं घटनावां इहदा मेन कारण ही है कि कई थावां दे उपर जिथे दो दो चार चार घर ने उत्थे भी गुरुद्वारे बने ने। कई लोगों ने कब्जे करन वास्ते निशान साहब लगाए हुए ने, वो जिहड़ी है उस दे नाल बेकदरी हुंदी, उस नूं रोकिया जाणा चाहीदा। आम मैंबर पार्लीमेंट ने आम आदमी पार्टी दे भगवंत मान पिछले कुछ समय तो ते हुण वी उन्होंने मीडिया नाल बहुत ज़्यादा बदसलूकी कीती जांदी उन्होंने बंदे वल्लों। ये मैं समझना कि भगवंत मान नूं हंकार हो गया और आम आदमी पार्टी जिहड़ी है उन्होंने जिवें जिस तरीके नाल मीडिया ने आम आदमी पार्टी पैदा की सी ते मीडिया ही मैनूं लगता इहनूं खत्म कर देगा, क्योंकि मीडिया के लोग जिहड़े आ यंग लोग ने और वो चाहते सब कि एक ऐसा बदल आए कि जिहड़ा एक वक्री तरह की राजनीति सामने आए। तो मीडिया ने इन्नी कु सपोर्ट दी, अज जो मीडिया नूं हंकार दे विच कहिंदे ने कि सानू प्रिंट मीडिया की लोड़ नहीं हैगी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की लोड़ नहीं हैगी, साढ़े कोल ग्लोबल वाइज जिहड़ी फेसबुक हैगी है, साढ़े कोल ट्विटर है, व्हाट्सएप है। तो मैं समझना कि उन्हां दी बड़ी वड्डी भुल है कि जिहड़ा मीडिया है, मीडिया दे नाल जिसने भी टक्कर लई है वह तानाशाह बन गया, तो तानाशाह का जिहड़ा हचर है वह हमेशा माड़ा निकलिया। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताजा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताजा तरीन खबरें।